इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत फर्जी पुलिस मुकाबलों के दोषी मुलजमान की उम्र कैद को 7 साल की कैद च किया तब्दील। बैबल कलां बेअदबी कांड विच इंसाफ मोर्चे ने अमृतसर बठिंडा नैशनल हाईवे नूं एक पास्यों किया जाम। लतीफपुरा च मुड़ वसेबा करन दी मंग नूं लैके 20 दसंबर नूं रोस मार्च करन दा कीता गया ऐलान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के बहुचर्चित 1991 के 10 सिखां दे फर्जी मुकाबले मामले च शामिल 43 दोषी पुलिस मुलाजमान नूं हेठली अदालत वल्लों सुनाई उम्र कैद की सज़ा नूं घटा के 7-7 साल की सज़ा च बदलदियां हरेक दोषी नूं 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दसणयोग है कि 12 जुलाई 1991 नूं नानक मता हजूर साहिब अते होरना गुरद्वारां दी यात्रा करके बस च परत रहे 25 सिख यात्रियों के जथे नूं पीलीभीत दे कवाला कांड नज़दीक पुलिस वालियां ने रोक के 10 सिख यात्रियों नूं अतवादी दस के फर्जी मुकाबला बना दिता सी, जिन्हां दीआं बाद च लाशां बरामद होईआं सन। जदों कि शाहजहां वासी तलविंदर सिंह की अज तक कोई उग सुग नहीं लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाउंदिआं कहा कि पुलिस मुलाजमान ने कानून वल्लों दित्ती शक्ति का दुरउपयोग किया। जस्टिस रमेश सिन्हा ते सरोज यादव ने अपने 179 पन्नियां दे फैसले च कहा कि पुलिस मुलाजमान की यह ड्यूटी नहीं है कि वह किसी नूं इसलिए मौत दे घाट उतार देण कि वह अपराधी हन। पुलिस नूं दोषियों नूं गिरफ्तार करके कानून अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए सी। दसणयोग है कि हेठली अदालत ने फर्जी मुकाबले च शामिल पुलिस मुलाजमान नूं दोषी करार दिता सी अते 4 अप्रैल 2016 नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई सी। हाईकोर्ट ने हेठली अदालत के उक्त फैसले नूं रद्द करदे होए दोषी पुलिस मुलाजमान नूं 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। पुलिस ने इस मामले नूं लैके पूरनपुर न्यूरिया अते बिलसोडा थाने च 3 वख-वख मुकदमे दर्ज किए सन। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट च उक्त मामले नूं लैके जनहित पटीशन दाखिल कीती सी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 1992 नूं मामले की जांच CBI नूं सौंप दिती सी। CBI ने पड़ताल तो बाद 57 पुलिस मुलाजमान खिलाफ सबूतों के आधार पर दोष पत्र दायर किया। अदालत ने मामले च 47 जणियां नूं दोषी ठहराया सी, जदों कि 2016 तक 10 की मौत हो चुकी है। CBI ने अपने दोष पत्र च 178 गवाह बनाए सन। पुलिस मुलाजमान के हथियारों के कारतूसा समेत 101 सबूत जुटाए गए सन। जांच एजेंसी ने 207 कागजातों नूं भी अपनी 58 पन्नियां के दोष पत्र च सबूत वजों शामिल किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ते वख-वख आगुआं दे प्रतिक्रम आए हैं। श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे सरदार परमहंस सिंह बंटी रोमाणा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों 1991 च 10 सिख नौजवानों के फर्जी मुकाबले मामले च दोषी 43 पुलिस मुलाजमान की उम्र कैद की सज़ा नूं 7-7 साल कैद च बदलना अतमंदभागा है। उन्होंने कहा कि पीलीभीत सिख कतलेआम के दोषियों की सज़ा का घटाया जाना घट गिणतियां नाल सरासर बेइंसाफी तो है ही, इस दे इलावा यह लोकतंत्र का भी घाण है। जज साहब ये कहते हैं कि क्योंकि ये पुलिस वालों के विच ते जिहड़े बंदे मारे गए है इन्हां दे विच पुरानी कोई इल विल नहीं सी, ईरखा आपस च नहीं सी, कोई एक दूजे नाल दुश्मनी नहीं सी, इस करके 7-7 साल की सज़ा बहुत है। मैं सवाल ये पूछना चाहना है, इहदा मतलब जे किसी के खिलाफ थोड़ी कोई पुरानी ईरखा साबित नहीं हुंदी या नहीं है तो उन्हों मारना फिर जायज़ हो गया? फिर एक जान की कीमत सिर्फ 7 साल होगी कि इस देश दे विच, मैं पहला भी सवाल यह चक्की है जो बंदी संघां दा इशू आया सी, कि इस देश दे विच दो वक्रे कानून काम करते हैं। सिखां वास्ते घट गिणतियां वास्ते वक्रा कानून है ते बहुगिणती वास्ते वक्रा कानून है। बंदी सिंह साडे भरा जिन्हां ने आपदियां सजावां भी पूरियां कर लियां, 28-28, 30-30 साल हो गए जेलां दे विच बैठिया नूं, वो अज तक रिहा नहीं हुए। पर जिन्ना पुलिस अफसर ने, देखो मैं वारी वारी पुलिस अफसर क्यों कह रहा है, क्योंकि पुलिस की वर्दी पाते हैं उदो कानून की पढ़ाई करते हैं, कानून की जानकारी दिती जाती है, जिम्मेवारी होंगी है कि लोगों की रक्षा करनी। वो पुलिस अफसर से जिन्हों से जिम्मेवारी सी, वो बस के विचों निर्दोष बंदियों नूं कढ के फर्जी एनकाउंटर च मार देंदे है तो फिर उन्होंने सजा केवल 7 साल? मेरा तो यह बड़ा वड्डा सवाल है। बड़ा दुख की गल हुई है, बिलकिस बानो का केस होया, उहदे दोषी रिहा कर दिते जांदे है। बड़ा बहुत चर्चित केस है जिहदे च 13-14 जणियां की हत्या हुई है, 3 महीने की बच्ची सी जिहदी हत्या हुई है, वह छड्ड दिते जांदे है। अज पीलीभीत के जिहड़े एनकाउंटर जिन्होंने किया उन्हां दी सज़ा उम्र कैद तो घटा के 7 साल कर दिती जांदी है। फिर यह जे चिंता का विशा नहीं है तो होर की है? यह हर राइट थिंकिंग इंसान के मन के विच कई सवाल खड़े करता है। मैं तो अज
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी बेनती करूंगा प्रधान साहब नूं, क्योंकि वह बड़े ध्यान नाल जिथे जिथे कोई मसला आउंदा है उथे जरूर पहलकदमी करते हैं। सो मैं उन्होंने बेनती जरूर करूंगा कि यह केस इहदी अपील श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी वधिया तो वधिया वकील मुहैया इन्हों परिवारां नूं करा के इहदी अपील सुप्रीम कोर्ट दे विच पाई जावे ते इन्हां नूं मिसाली सजा दित्ती जावे। किसी इंसान की जान लैण दा हक दूसरे इंसान नूं नहीं है, पर जे पुलिस वाले ने इहो जिहा क्राइम कीता उहदा दोष उन्ना वध जांदा है। इह सबक सिखाउणा चाहीदा है, मिसाली सजा मिलनी चाहीदी है ताकि अगां तों कोई भी इहो जिहा काम करन दी हिम्मत ना कर सके। ते मैं एक गल फिर अखीर च जरूर कहनी चाहूंगा, इहो जिहे फैसले इहो जिहियां घटनावां हर सिख दे मन दे विच किते ना किते इह सोचण नूं मजबूर करदियां कि इस देश दे विच सिखां वास्ते कानून वखरा है। ते इह गल पीड़ा हुंदी है क्योंकि सिखां ने इस देश नूं आजाद कराउण वास्ते ते उस तो बाद जदों जदों इस देश दे विच डेमोक्रेसी नूं खतरा आया उस डेमोक्रेसी नूं बहाल रखण वास्ते बहुत वड्डियां कुरबानियां कीतियां, इस देश नूं इकट्ठे रखण वास्ते बहुत वड्डियां कुरबानियां कीतियां। जदों उन्हां नाल वितकरा कीता जांदा है फिर किते ना किते सिख नौजवान सोचण ते मजबूर हो जांदे। जीरा मोर्चे विच सरकार ने सख्त रुख अपनाउण दा फैसला लै लिया है, प्रशासन वल्लों कीतियां जा रहियां तैयारियां इस गल दी गवाही भर रहियां हन। इस वेले वड्डी गिणती विच पुलिस वल्लों धरने वाली थां ते तैनात कर दिता गया है ते फैक्टरी दे 10 किलोमीटर दे घेरे नूं सील कर दिता गया है। पिंड नूं जाण वाले हर रस्ते ते पुलिस ने नाकाबंदी कीती हुई है। दस्सिया जा रहा है कि सरकार ने 44 वड्डे अफसरां दी ड्यूटी लगा दिती है। मैडिकल टीमां नूं भी अलर्ट ते रख्या गया है। किसान तकरीबन 145 दिनां तों शराब दी फैक्टरी दे सामने धरना दे रहे हन। किसानां मुताबक फैक्टरी दे कैमिकल नाल 40 पिंड प्रभावित हुंदे हन क्योंकि इस नाल पाणी खराब हो रहा है। पुलिस अते प्रशासन दी इह पूरी कारवाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे हुक्मां ते हो रही है। दस दईए कि फैक्टरी दे मालक ने किसानां दे धरने नाल हो रहे नुकसान दे खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दा रुख कीता सी। हाई कोर्ट ने सुनवाई करदे होए पंजाब सरकार नूं 15 करोड़ दा जुर्माना भी लगाया सी, नाल ही धरने नूं खत्म करन दे निर्देश दित्ते सन। इलाके दे लोकां दी शिकायत है कि शराब दी फैक्टरी नाल इलाके दा पानी गंदा ते जहरीला हो चुका है ते कई भयानक बीमारियां दा कारण बन रहा है। किसानां दा दोष है कि इस फैक्टरी दे पानी नाल धरती हेठला पानी दूषित हो रहा है जिस कारण कैंसर ते होर बीमारियां फैल रहियां हन। ट्यूबवैलां विचों दूषित पानी निकल रहा है। दस दईए कि इस संबंध विच पंजाब सरकार दी मोनीटरिंग रिपोर्ट विच इस फैक्टरी नूं क्लीन चिट दित्ती गई है जिस कारण लोकां विच भारी रोस है। इस तो पहला पुलिस अते प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों नूं एनजीटी वल्लों फैक्टरी नूं दित्ती क्लीन चिट अते हाई कोर्ट दे हुक्मां दा हवाला दिंदियां धरना खत्म करन दी चेतावनी दित्ती सी। उधर पिंड वालियां ते संघर्ष कर रहियां जथेबंदियां ने दावा कीता है कि रिपोर्ट ते असल सच्चाई विच जमीन आसमान दा फर्क है। पंजाब सरकार दी मोनीटरिंग रिपोर्ट दे आधार ते फैक्टरी ने हाई कोर्ट विच केस भी कीता होया है ते पंजाब सरकार नूं इस कारण 5 करोड़ ते इस मगरों 15 करोड़ दा जुर्माना भी लग चुका है। इस 20 दिसंबर नूं इस केस दी हाई कोर्ट विच सुनवाई है। हेलो जी, जीरा जिहड़ा कि मोर्चा लग्या होया शराब फैक्टरी के खिलाफ उत्थे लंगर चल रहा तो जिहड़ा पुलिस प्रशासन इन्हें किसानों के जिहड़ा हैगा वास्ते सरकार ने भेजा भी आपां इन्हां नूं इत्थों खदेड़ना, उन्हां नूं भी इत्थे लंगर जिहड़ा हैगा गुरु का छकाया जा रहा। तुहानूं दिखाउणे आ माहौल, अज सरकार दे नाल जिहड़ी मीटिंग भी दूजे पासे चल रही है इन्हां मोर्चे के प्रबंधकों की, तो दूजे पासे श्री अखंड पाठ साहब जिहड़े आ उह प्रारंभ करते आ जी। इत्थे ये शराब की फैक्टरी बंद कराने लैके जिहड़ा ये मोर्चा जिहड़ा जी लग्या होया 8 महीने तो लग्या होया ये फैक्टरी, इस फैक्टरी के करके इस इलाके दे विच जिहड़ा हैगा धरती हेठला पानी दे विच जिहड़ी लाण शराब दा जिहड़ी हैगी मात्रा जिद्दां हुंदी ना वह आ रही है बदबूदार पानी। पंजाब तो आम आदमी पार्टी के राज सभा मैंबर राघव चड्ढा ने बेअदबी ते सदन विच काम रोकू मता पेश करके इस ते बहस की मांग की सी जिसनू राज सभा के उप स्पीकर ने खारिज कर दिता है। राघव चड्ढा बेअदबी के कानून नू होर सख्त बनाउण दे लई कानून विच बदलाव करन दी मांग कर रहे सन। राज सभा के उप स्पीकर ने राघव चड्ढा की मांग नू खारिज करन दे लई दो कारण दसे। पहला, राघव चड्ढा ने यह नहीं दसिया सी कि उह किस रूल के मुताबिक चर्चा चाहते हैं अते दूजा, राज सभा के चेयरमैन की मंजूरी के बिना काम रोकू मता पेश नहीं हो सकता है।
इस तो बाद राज सभा विच जोरदार हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंटा वालों उप सभापति के तर्क का विरोध किया गया। राघव चड्ढा ने राज सभा विच यह तर्क दे के बेअदबी ते काम रोकू मता पेश किया सी कि साडे लई गुरु साहिब जी के सतिकार तो वड्डा कोई मुद्दा नहीं है। यह एक अजिहा मुद्दा है जिसके खिलाफ दुनिया भर के पंजाबियों विच गुस्सा है। गुरु साहिब के सत्कार लई असीं शीश का बलिदान भी दे सकते हाँ, पर गुरु साहिब की बेअदबी कदे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हाँ। उन्होंने बरगाड़ी विच हुई बेअदबी ते लुधियाना विच भगवत गीता बेअदबी का जिक्र करते हुए कहा कि IPC की धारा 295 ते 295A विच इस दी सज़ा बहुत घट है। इस दे नाल अपराध करन वालियां दे हौसले बुलंद हुंदे हन, इसलिए धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण अते बेअदबी नूं रोकण दे लई सख्त कानून की जरूरत है। इस तो पहला पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात तो बाद भी बेअदबी कानून विच सख्त सज़ा की मांग की सी। संसद के सर्द रुत इजलास दौरान लोक सभा हलका फरीदकोट तो संसद मैंबर मुहम्मद सदीक ने सदन नूं किसानां दीआं समस्यावां तो जाणू करवाया। उन्होंने कहा कि देश के दे किसानों प्रति केंद्र सरकार का रवैया कोई बहुता वधिया नहीं है। सरकार ने देश के दे अन्नदाता भरोसा दिता सी कि उन्हां दी आमदन दुगुनी की जाएगी। सरकार ने अपने बोल तो पुगा दिते पर खेतीबाड़ी की लागत दुगुनी कर दिती, पर किसानों की आमदन उत्थे दी उत्थे ही खड़ी है। किसानों दीआं मंगां दा जिक्र करदिआं मुहम्मद सदीक ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 21 नवंबर 2021 नूं सरकार नूं पत्र लिख के अपनियां मंगां दस्सियां सन। उस पत्र दे जवाब विच खेतीबाड़ी अते किसान भलाई सकत्तर संजय अग्रवाल ने पत्र लिख के भरोसा दिता सी कि मोर्चा वापस लै लो, सारे मसले हल हो जाणगे। सरकार दे भरोसे दे बावजूद किसान अते गरीब दा कुछ नहीं बणिआ। सर सियाणे कहिंदे ने पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, लेकिन पैसे बिना भी कोई गुजारा नहीं। सर मैं जो समझिया ਅਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਲਟੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ GST ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਬਰ ਤਾਂ ਭਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਆਪੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ AFW 2021-1 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆਖਰੀ, ਬਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮਨ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ 'ਤੇ 2 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 'ਤੇ 2 ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਸ਼ਵੀਪੋਰ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
दसण योग है कि पटीशनर ने केंद्र सरकार के सिविल एविएशन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा सिख यात्रियों को घरेलू उड़ाणा विच किरपान लेके जाने की इजाजत देने के फैसले को चुनौती दी सी। सिविल एविएशन सुरक्षा ब्यूरो ने 4 मार्च के अपने आदेश च कहा सी कि किरपान सिर्फ एक सिख यात्री अपने नाल लेके जा सकता है, पर उसकी लंबाई 6 इंच और कुल लंबाई 9 इंच तो ज़्यादा ना हो। लतीफपुरा विच लोकां नूं उजाड़न की कार्रवाई करन तो बाद देश विदेश के लोगों के निशाने ते आई आप सरकार इस मामले विच बुरी तरह घिरदी नज़र आ रही है। मॉडल टाउन लतीफपुरा के इलाके तो उजाड़े गए लोगों ने आप सरकार वालों लोगों नूं फ्लैट देने की पेशकश नूं ठुकराते हुए कहा कि उन्हां नूं जिस जगह तो उजाड़िया गया है उसे जगह पर उन्हां नूं वसाउणा चाहिए है। लतीफपुरा विच मुड़ वसाउण की मांग नूं लैके उन्हां वालों अणमिथे समय तक संघर्ष जारी रहेगा। बीते दिन ही आप आगुआं वालों लतीफपुरा तो उजाड़े लोगों विच गरीबी रेखा तो हेठां रहण वाले लोगों नूं फ्लैट देने का फैसला किया गया सी। उधर लतीफपुरा विच ही वसाउण की मांग नूं पूरी कराउण लई इलाका वासियों तो इलावा कई अलग अलग जथेबंदियों तो आगुआं वालों लतीफपुरा मुड़ वसेबे लई मोर्चे का गठन कर दिया गया है। इलाका वासियों ने ट्रस्ट वालों उजाड़े जाने की कार्रवाई के विरुद्ध और लतीफपुरा विच मुड़ वसेबा करन दी मांग नूं लैके 20 दसंबर नूं शहर विच रोस मार्च कढ़न तो इलावा मुख्यमंत्री का पुतला साड़न का ऐलान किया है। इलाका वासियों का कहना है कि उन्होंने बजुर्ग पाकिस्तान तो उजड़ के इस जगह पर आए सन, जेडे कि उस समय तो इस जगह पर ही मौजूद हैं। ट्रस्ट वालों कब्जा दस के जेड़े मकान ढाए गए सन वह जगह एक्वायर नहीं की गई सी। सरकार ने फ्लैट देने की गल कही है जबकि वह अपनी साल पुरानी जगह छड़ के नहीं जाएंगे। इलाका वासियों ने कहा कि वह सरकार की इस पेशकश पूरी तरह रद्द करते हैं, वह इस इलाके छड़ के कदे नहीं जाएंगे। इस मौके सारे फैसले कमेटी वालों ही ले जाने का फैसला किया गया। सब तो पहला आप जिथे आप दर्शकों दस दें लतीफपुरा जिथे कि जलंधर के गैर सरकारी थान कह के सारे दे मतलब इतने के रहने वाले लोगों के घर आए गए हैं। वो बीबिया जिन्हों के घर आए गए हैं जी दर्द के दो दिन तो ठंड के बगैर खाए पे बैठी थी। आप गल करके जानते हैं उन्होंने की हजे किवें जान वो महसूस करते पे ने। सब तो पहला मैं थोड़े तो पूछना चाहना जी जो आप गल करते हैं सरकार दे नोटिस दी कहा जाता वा सरकारी नोटिस आया सीगा सुप्रीम कोर्ट का थोनू थोड़े तो पूछिए तो नोटिस कदों का मिलना शुरू होया सीगा रियलिटी दे विच? ये तो हूँ तो सानू दिखाया ही नहीं कोई नोटिस उन्होंने अखबारों च आया फोन च आया। तुम पता अखबार हर कोई नहीं पढ़ता फोन च जो मर्जी आंदा रहे बहुत कुछ आंदा वा तो नाले एक गल होर अगर सानू तुसी नोटिस दे रहे हो तो सानू असी नोटिस का की करिए ये भी तो दसो असी जाना कितने छड के अगे साडे को कोई टिकाणा है नहीं तुसी सानू कह रहे हो घर खाली कर दो असी कित्थे जाइए। किन्ने टाइम पहला थानू नोटिस इन्हां दा हिसाब नाल कि किन्ने टाइम पहला नोटिस दिता गया सी? घर खाली कर दवो मतलब सीधा आके सरकारी मुलाजमान ने थोड़े घर तोड़ने शुरू करते लाउड स्पीकर ते बोलिया भी तुसी बाहर निकल जाओ जा इवें दा कुछ किवें दा माहौल सीगा जदों शुरू कीता? रात ने लोसमेंट किया सवेरे 4 बजे वो आन पे ने तेरा तुझे दसो रात लोसमेंट कर दे सवेरे रात रात कह समान चुक लेगा सुते प्या चक लिया उन्होंने तो समान केरे वेले चकना है। ते जो आप वीडियो देखिया वायरल हुई है ना ती भैणां सरकारी वर्दी पाए हुए लोगों ने गाला कड़िया ने गलत किया साडे वड्डे भैण जी साडी बेटी साडा वीर जी है रिक्वेस्ट कर रहे तुसी भी देखिया होना मतलब जां ते होए कि उन्हें गाल कड्डी अगो साडे भरा ने गाल कड्डी होए रिक्वेस्ट करन दिया एक वारी सॉरी फील करदे ने उदास गालां कड्डन दिया ठीक है ना सर सानू उस चीज का भी बहुत वड्डा दुख है घर ते चलो साडे जो हो गए है ना। ते थोड़े कोल किन्ना समा सीगा अपना सारा जरूरी समान किन्ना तुसी समान इकट्ठा कर पाए अपना? साडा तकरीबन अद्धा समान ते अंदर ही है तुसी देख भी सकदे हो है ना मोटा मोटा जेड़ा निकल गया बच्चियां ने कर लिया तो सारे चक के ही लै गए थाने। अच्छा हां जी ध्रू ध्रू के खड़े उन्होंने ते जेड़ी लेडीज नु चक्के तुसी कह रहे हो लेके गए ने थाने जहाजे तक उना दी रिहाई होई नहीं कोई? नहीं नहीं सर उना शामा नु छड़ दित्ता सी। अच्छा शामा नु ही छड़ दित्ता सर उना ने लेडीज नु चकना सी ते लेडी जेंट्स दा मतलब नहीं हाथ मतलब ओ जेंट्स पुलिस ने हाडियां मावां भैणां नु चक के खड़िया। किन्ने टाइम तो तुसी इत्थे सारे रह रहे हो? सर आपां जदों दे पाकिस्तान तो साडे बजुर्ग आए ने उदों दे आ तीजी चौथी पीढ़ी है जी। इहदा मतलब थोड़े कोल प्रॉपर सारा कुछ इत्थे दा रहे दा एड्रेस प्रूफ? बिल्कुल सर बिल्कुल हुण सर तुसी दसूवे दे लागे छौणी देखी होएगी है ना
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਣਾਇਓ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਪ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਕਈਆਂ ਦੂਜੇ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਨੋਰਮਲੀ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ 40-50 ਉੱਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਰੋੜ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ 5-10 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ 100 ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨਾ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ 3ਜੀ 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਏ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਆਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਸਾਡਿਆ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਰਥੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਉਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਮੀਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲੋਟ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਇਜ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਿਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ IG ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ
मंत्री ने उन्होंने बेअदबी कांड की जांच मुकम्मल करने लिए 2 महीने का समा मंगया पर सिख संगतां ने होर समा देण तो साफ इनकार कर दिता। इंसाफ मोर्चे वालों स्पष्ट किया गया है कि जेकर सरकार ने 7 जनवरी तक इंसाफ ना किया तो संघर्ष तेज किया जाएगा। दसण योग है कि फतेहगढ़ साहिब विखे हर साल शहीदी जोड़ मेला लगाया जाता है, इस कारण मंत्री फौजा सिंह सरारी वालों रस्ता खोलन की अपील की गई सी। इस तो बाद मोर्चे वालों एक रस्ता खोल दिता गया पर दूजे पासे सारे ही विरोध कर रहे हैं। सिख संगत ने 7 जनवरी तक सड़क नू एक पासे तो बंद रखने की चेतावनी दी है अते उस तो बाद सड़क नू दोवें पासे तो बंद कर दिता जाएगा। गुरु घर शहादत सब तो उपरला रुतबा है। खाड़कू संघर्ष दे विच बहुत बड़े बड़े जरनैल शहादत दा जाम पीता जिन्होंने थोड़े नेड़े दे भाई गुरजान सिंह बुद्ध सिंह वाला जिन्हों का बहुत बड़ा नाम है खाड़कू मूवमेंट दे विच ओ गोली खा के शहीद होए उन्हां दे इंसाफ दे लई असीं मोर्चे नहीं लाए। भाई नारायण सिंह हुणी बैठे ने इन्हां ने बेअंत पुलिस वालिआं नूं सजा दवाईआं ने पुलिस आले उन्हां अफसरां नूं असीं कोर्टां 'च घड़ीस के लैके गए जिन्हां ने घर बैठिआं नूं झूठे पुलिस मुकाबले बना बना अंदर दित्ता। तो जिथे इस घटना का मैं जिक्र करना चाहना कि जिथे चरणजीत शर्मा परमराज उमरा नंगल जां उदों जिहड़ा जैतों का डी एस पी सीगा उस तों उपर जिन्हें हुक्म दिता समेत सैणी तों वी उपर ये जिहड़ी साजिश है धुर दिल्ली दरबार तों इस साजिश का जन्म है। ये जिन्ने सारे पुलिस अफसर ने जिन्होंने इत्थे संगत दे उत्ते लाठीचार्ज किया सट्टा लाइया ओहदे लई उन्हां नूं सजा होनी चाहीदी पर नाल दी नाल जिस प्रकार दो योधिया ने अपनी युद्ध की कला दिखाई अपनी सूरवीरता दिखाई उन्हां दी उस सूरवीरता का भी जिक्र होना चाहिए। नारायण सिंह होनी इत्थे बैठे ने भाई बख्शीश सिंह होनी बैठे ने या बाबा हरदीप सिंह होनी बैठे ने जिन्हां ने पिछला संघर्ष देखिया ओहदे संबंधी मैं एक गल तुहानूं कहनी चाहना कि 1993 तक 92 तक जो सिंघां ने दुष्ट सोधे उन्हां दे उत्ते कवीशरियां कवितावां बणदियां रहियां जुगनियां जागो बणदियां रहियां ते पंथ चढ़दी कला च रहा। दिल्ली दे विच ललित माकन वर्गे अर्जन दास वर्गे धर्मदास शास्त्री वर्गे कानपुर के MLA वर्गे होर बड़े बड़े वैद्या वर्गे बड़े बड़े जड़े दुष्ट सिगे सोधे गए 91 तक जदों सिंघां दे कारनामिआं दे गीत बनते रहे उदों तक पंथ चढ़दी कला च रहा। 93-94 तो बाद खाड़कू मूवमेंट डाउन होण तो बाद वोटां वालिआं ने आके जदों सिर्फ हीनता की गल कीती है उदों तो सरकारां बणीआं ने वख वख पर पंथ उस तरह चढ़दी कला च नहीं गया। सो जिथे असी जरवाणे का जिक्र करना है जरवाणे के जुल्म का जिक्र करना है उत्थे जिस सूरवीरता दे नाल सिंघां ने जौहर दिखाए ने गुरजीत सिंह होना ने या कृष्ण भगवान सिंह होना ने उन्हां दा जिक्र भी चाहिए। कल्ली हीनता का जिक्र करके कुट का जिक्र करके अज तक दुनिया च कोई नहीं जितया। आखिरी गल जी मैं बेनती करनी वो मेरे तो 2-3 बुलारे पहला बख्शीश सिंह होनी बोल के गए थे 2 गल्ल एक गल वो बोल के गए कि एक साडा आखिरी निशाना हन्ने हन्ने मीरी का आजादी का खालिस्तान का वह असी आप भी लैनी है इस खिते दे इंडिया दे एशिया दे हरेक नताने दे लई लैके देनी पर दुनिया सारी दे विच जदों भी कोई कौमां लड़दियां ने उन्हां दे निशाने 3 हिस्सों च वंडे जांदे ने कुछ लोंग टर्म प्लैनिंग हुंदी कुछ मीडियम टर्म कुछ शॉर्ट टर्म ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਬ ਕਦਮ ਵਧਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ।